यही कर्माबाई की कथा आपके सामने सुना। देखिए कैसा प्रेम परमात्मा से। उसके माता पिता गोविंद को रोज खिचड़ी का भोग लगाते, किसी काम से दोनों को बाहर जाना पड़ा और अपनी बेटी को बोल गई, बेटा हम लोग बाहर जाए जब तक तू रोज टाइम से खिचड़ी का भोग लगा दिया कर। अच्छा बच्चा जितना सीधा होता है ना उतना और कोई नहीं होता है, हम तो टेढ़े बाड़े बड़े होके टेढ़े होते हैं। बच्चा बहुत सरल रहता सीधा जब छोटा रहता है, भाव से था, माता पिता ने बोला भोग लगाएंगे, गोविंद का स्नान ध्यान पूजन कराया, खिचड़ी बनाई कर्मा ने और थाली भर के खिचड़ी रख दी गोविंद के सामने के खाओ और पालथी मार के बैठ गई। अब महाराज क्यों खाए, भगवान को भोग लगाने वाले। सुबह से दोपहर हो गई, आंखों में आंसू आने लगे कर्मा के, कन्हैया मेरे से कोई गलती तो नहीं हुई, मेरे माता पिता रोज भोग लगाते थे तुम खा लिया करते थे और यदि तुमने नहीं खाया तो मैं भी कुछ नहीं खाऊंगी। शाम तक, शाम होने को ही आज तो बहुत ही हद हो गई। अब कर्मा को लगा कि शायद रूखी खिचड़ी दे दी शायद इसलिए नहीं है। अच्छा कटोरी भर के घी डाला है, गुड़ डाला है, थाली भर के लाई रखी चिड़ो ऊपर घी की बाटली, जिमो मारा शाम घनी जिमा में जोड़ी जाटली, जिमो मारा शाम घनी जिमा में Thank you.
पर आवे गो भक्ति भाव से पूर्ण होकर भक्तारे गुण गाए गो साचो प्रेम प्रभु से होए तो मूरत भोले काठ की।